2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ऑप्शंस विद द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड एल दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस इज आर. इसमें एक इंटीग्रल दे रखा है, उसमें न्यूमरेटर में भी एक इंटीग्रल है, डिनोमिनेटर में भी एक इंटीग्रल है, इज इक्वल टू एल दे रखा है, और क्वेश्चन में हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है. साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा दिस रिलेशन विल होल्ड ट्रू. और इस क्वेश्चन में वन और मोर देन वन ऑप्शंस मे बी करेक्ट. तो सबसे पहले आप इस फंक्शन के इस जो इंटीग्रल है ये देखिए, जो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है, दोनों में क्या क्या खासियत है. दोनों का इंटीग्रेंट सेम है, ऊपर में भी e टू द पावर t साइन टू द पावर 6 कुछ दे रखा है, नीचे में भी e टू द पावर t साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6 है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सिर्फ ये है कि न्यूमरेटर में जो है वो 0 टू 4 पाई है, डिनोमिनेटर में 0 टू पाई है. तो अब हम लोग इस फंक्शन के इंटीग्रेंट को और जो लिमिट है उस पर थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं ये क्या है. इसके फंक्शन का जो इंटीग्रेंट है उसको अगर मैं फंक्शन लिखूं तो ये क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी साइन टू द पावर 6 अल्फा टी प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फा टी. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सारा कुछ जो है वो 0, 4 पाई, पाई, 2 पाई उस तरह से चलेगा, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो फंक्शन एफ टी है वो किस तरह का फंक्शन है, पीरियोडिक है कि नहीं, या अगर मैं टी की जगह टी प्लस पाई लिखता हूँ, पाई के स्टेप्स में अगर जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो इस फंक्शन में क्या होता है. ऑब्वियसली इस फंक्शन में अंदर में साइन और कॉस बैठा हुआ है, तो साइन और कॉस किस तरह का है. जब अगर मान लीजिए कि साइन अल्फा अगर आप टी प्लस पाई कर देते हैं तो आप जानते हैं ये क्या हो जाता है, साइन ऑफ एनीथिंग अल्फा पाई टर्म्स में होगा तो ये हो जाता है माइनस वन टू द पावर अल्फा साइन ऑफ अल्फा टी हो जाएगा. ये बहुत सिंपल आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि अल्फा की वैल्यू सपोज अगर 3 होती है तो टी प्लस 3 पाई है, तो 3 पाई के स्टेप में जब हम जाते हैं तो ये माइनस वन टू द पावर 3 माइनस वन साइन अल्फा टी हो जाएगा. अगर वही अल्फा कोई इवन नंबर होता तो ये माइनस वन टू स्क्वायर हो जाता है, ये प्लस हो जाता है. उसी तरह जब मैं कॉस के टर्म्स में लिखता हूँ तो ये हो जाता है कॉस अल्फा टी प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर अल्फा कॉस अल्फा टी. लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जो इंटीग्रेंट है इसमें साइन और कॉस का इवन पावर्स ही है, टू द पावर 6 है, टू द पावर 4 है, इसलिए माइनस वन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा. जैसे ही मैं साइन टू द पावर 6 कर दूंगा अल्फा टी प्लस पाई तो ऑब्वियसली ये माइनस वन टू द पावर 6 जो है माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा, साइन टू द पावर 6 अल्फा टी. इसका मतलब साइन टू द पावर 6 अल्फा ऑफ टी प्लस पाई आप लेंगे तो सेम चीज आ जाएगा. सिमिलरली आप कॉस टू द पावर 4 जब करेंगे, कॉस टू द पावर 4 अल्फा टी प्लस पाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 अल्फा टी. इसका मतलब ये जो अंदर वाला जो फंक्शन है साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 4 ये क्या है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक विथ पीरियड पाई. इसका मतलब अगर मैं एफ ऑफ टी प्लस पाई करूं तो ये वाला जो साइन और कॉस का टर्म है ये तो कुछ चेंज नहीं होगा. तो ये जो साइन और कॉस वाला टर्म है ये बोलेगा कि मैं तुम्हारा लाइफ तो मुश्किल नहीं करूंगा, जब अगर तुम टी की जगह मेरे अंदर टी प्लस पाई भी डाल दो, उसी तरह कॉस अल्फा टी की जगह टी प्लस पाई भी डाल दो तो मेरी वैल्यू सेम रहेगी. इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 4 वो टी और टी प्लस पाई के लिए सेम रहेंगे, यानी कि ये जो अंदर वाला टर्म है वो तो पाई के टर्म्स में पीरियोडिक है. लेकिन जो ई टू द पावर टी है, आप जानते होंगे एक्सपोनेंशियल तो ऐसा फंक्शन है कि वो पीरियोडिक तो होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा फंक्शन है वो पीरियोडिक तो नहीं होगा, ठीक है. लेकिन फिर भी कुछ उसका सिंप्लीफाइड एक वर्जन आएगा. वो क्या आएगा, मैं देखता हूँ कि जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एफ ऑफ टी प्लस पाई तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर पाई प्लस टी प्लस अंदर में ये वाला टर्म रहेगा. अब ये वाला टर्म तो सेम रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे रहेगा, क्योंकि अभी मैंने दिखाया कि अल्फा टी की जगह अगर आप अल्फा ब्रैकेट में टी प्लस पाई भी कर दें तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी. लेकिन ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म है ई टू द पावर पाई प्लस टी, इसको मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर पाई इंटू ई टू द पावर टी, और अंदर वाला जो टर्म है वो पूरा पूरा सेम रहेगा. तो आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टी प्लस पाई इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई इंटू ई टू द पावर टी इंटू ब्रैकेट में ये सेम टर्म, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई इंटू एफ ऑफ टी. तो अब इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिए कि एफ ऑफ टी प्लस पाई इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई इंटू एफ ऑफ टी. अब इसी रिलेशन का यूज करके मैं इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करूंगा. तो इस रिलेशन को आप ध्यान से देख लीजिए कि एफ ऑफ टी प्लस पाई, और एफ ऑफ टी क्या है, ये जो पूरा जो इंटीग्रेंड है अंदर में इतना लंबा सा जो टर्म है उसको मैंने एफ ऑफ टी के टर्म्स में लिखा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ टी प्लस पाई इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई इंटू एफ ऑफ टी.
तो इंटीग्रेंट का तो मैंने ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन करके उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और दिखाया कि एग्जैक्टली पीरियोडिक तो नहीं है, लेकिन ये दिखा दिया कि एफ ऑफ टी प्लस पाई जो है वो एफ ऑफ टी के टर्म्स में उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब न्यूमरेटर वाला जो इंटीग्रल है उसको सपोज मैं उसकी वैल्यू टोटल की वैल्यू आई लिखता हूँ, तो ये इंटीग्रल क्या है, 0 to 4π है और अंदर में पूरा ये एफ ऑफ टी डी टी वगैरह है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो 0 to 4π इंटीग्रल को मैं चार स्टेप्स में तो ब्रेक कर सकता हूँ, 0 to π, π to 2π, 2π to 3π, और वो मैं इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 to π है। तो इसलिए ऊपर वाले इंटीग्रल जो 0 to 4π की लिमिट्स में है इसको मैं चार डिफरेंट इंटीग्रल्स में ब्रेक करता हूँ। बेसिकली इसका जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 4π उसको मैं पहले 0 to π तक इंटीग्रेट करूंगा, फिर π to 2π करूंगा, फिर 2π to 3π करूंगा, फिर 3π to 4π तक इंटीग्रेट करूंगा। 0 to 4π एफ टी डी टी इज इक्वल टू, यहां से लिख देता हूँ, 0 to π एफ टी डी टी तो रहेगा ही, प्लस π to 2π एफ टी डी टी, प्लस यहाँ से लिख सकते हैं 2π to 3π, प्लस लास्ट में हो जाएगा 3π to 4π। कि जो ऊपर वाला इंटीग्रल है जिसका मैंने नाम आई दिया है, सिर्फ ऊपर वाले का भी, इस आई को मैं लिख सकता हूँ चार डिफरेंट पार्ट्स में, उसका नाम भी कुछ दे देते हैं, I1 + I2 + I3 + I4 लिख देते हैं। तो ऊपर वाला जो इंटीग्रल ये था आई, उसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है, I1, I2, I3, I4, सबके अंदर में एफ टी डी टी ही रहेगा, इंटीग्रेंट सेम रहेगा, केवल लिमिट सबका अलग अलग है। एक का लिमिट 0 to π है, दूसरे का π to 2π है, तीसरे का 2π to 3π है। तो अब देखते हैं कि ये लिमिट चेंज करने से इंटीग्रल और इंटीग्रेंट में क्या होता है। आई टू जिसको मैंने लिखा था वो क्या था, π to 2π था एफ टी डी टी। अब इस आई टू जो पाई से 2π के बीच में इंटीग्रल है, इसका लिमिट को अगर मैं 0 to π चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ बाई चेंज ऑफ वेरिएबल से। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि t की जगह मैं एक नया वेरिएबल u लेता हूँ और मैं ये लिख देता हूँ कि t इज इक्वल टू u प्लस पाई। तो अब देखिए क्या होगा, जब t मेरा पाई होगा तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसी तरह जब t की वैल्यू 2π हो जाएगी तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस आई टू इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूँ आई टू इज इक्वल टू 0 to π एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू प्लस पाई इंटू डी यू। डी यू क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी टी इज इक्वल टू डी यू, दोनों का डिफरेंशियल तो सेम होगा, इंटू डी यू। तो अब आप इस स्टेप को देखिए, क्या किया मैंने, आई टू जो सेकेंड पार्ट था इस न्यूमरेटर के लंबे वाले इंटीग्रल के पार्ट का, वो क्या था, पाई से 2π था, मैंने इसके लिमिट को 0 to π में कन्वर्ट किया। वो क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरी कोशिश ये है कि जो न्यूमरेटर में चार इंटीग्रल है I1, I2, I3, I4, चारों में डिफरेंस क्या है कि सबका जो लिमिट है वो चेंज हो रहा है, एक का 0 to π है, दूसरे का π to 2π है, फिर एक का 2π to 3π है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी के लिमिट को मैं 0 to π के टर्म्स में अगर ले आऊँ तो इसका मतलब मैं I2 को भी, I3 को भी, I4 को भी, तीनों को मैं I1 के टर्म्स में लिख सकता हूँ। और लिखने से मुझे ये फायदा होगा कि क्वेश्चन में मुझे जो डिनोमिनेटर दे रखा है वो क्या है, वो बेसिकली I1 है क्योंकि उसका लिमिट 0 to π है। तो अब आप इस स्टेप को देखिए, लिमिट तो मैंने 0 to π कर दिया, अंदर में क्या आ गया, एफ ऑफ यू प्लस पाई। अब इस एफ ऑफ यू प्लस पाई के लिए आप ये वाला स्टेप यूज कर सकते हैं कि एफ ऑफ टी प्लस पाई इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई इंटू एफ ऑफ टी, यानी कि यहाँ से मैं इसको ऐसे यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो इसको जब मैं डालूंगा तो ये हो जाएगा आई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस पाई, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर पाई तो कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, इज इक्वल टू 0 to π एफ ऑफ यू इंटू डी यू। और एफ ऑफ यू इंटू डी यू हो या एफ ऑफ टी इंटू डी टी हो, क्योंकि यू तो डमी वेरिएबल होता है जो अंदर में वेरिएबल होता है, तो एफ ऑफ यू डी यू लिखिए या एफ ऑफ टी डी टी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लिमिट अब देखिए क्या हो गया, लिमिट हो गया ये 0 to π, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये पूरा पार्ट मैंने अभी अज्यूम किया था कि 0 to π जो मेरा इंटीग्रल है फर्स्ट पार्ट उसको मैं I1 लिख रहा था। तो अभी मैंने क्या लिख दिया कि I2 इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई इंटू I1। एग्जैक्टली आप इसी रिलेशन को और एफ ऑफ यू प्लस पाई इज इक्वल टू दिस थिंग का यूज करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि I3 इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई I2, ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह आप थर्ड स्टेप में ये भी लिख सकते हैं कि I4 इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई इंटू I3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I1, I2, I3, I4 ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है और उसका कॉमन रेशियो क्या है, ई टू द पावर पाई है। तो अभी आप इस चीज को ध्यान दीजिए
कि रिलेशन तो मैंने सिर्फ आई टू के लिए और आई वन के बीच में डिराइव किया है, लेकिन आई थ्री आई टू आई फोर आई थ्री के बीच में एग्जैक्टली सेम तरीके से आप रिलेशन डिराइव कर सकते हैं. आई टू इज इक्वल टू क्या है, ई टू द पावर पाई आई वन. इसी तरह आई थ्री इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई इंटू आई टू है, और आई फोर इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई इंटू आई थ्री. इसका मतलब आई वन आई टू आई थ्री और आई फोर ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और उनका कॉमन रेशियो ई टू द पावर पाई है. कि जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर. अब ये मुझे मालूम है कि आई वन आई टू आई थ्री आई फोर क्या है, सभी ज्योमेट्रिक सीरीज में है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आई वन इंटू ई टू द पावर पाई जो कॉमन रेशियो है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो हो जाएगा ई टू द पावर फोर पाई माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो ई टू द पावर पाई माइनस वन. न्यूमरेटर आई और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आई वन है क्योंकि ये जीरो टू पाई है. इंटीग्रेंट तो ऊपर नीचे सब जगह सेम होता है, केवल ये लिमिट का सारा खेल है. डिनोमिनेटर में जीरो टू पाई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे नोटेशन में आई वन हो गई. न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, आई है, तो हमें फाइंड क्या करना है, आई बाई आई वन. तो आप यहां से देख सकते हैं कि आई बाई आई वन की वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर फोर पाई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर पाई माइनस वन. तो इसमें आंसर क्या क्या कौन कौन सा करेक्ट होगा, ये और ये करेक्ट होगा क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू टू और अल्फा इज इक्वल टू फोर ये दोनों भी करेक्ट है. पिछले पार्ट में मैंने देखा था कि अल्फा की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो, या तो वो इवन इंटीजर हो या ऑड इंटीजर हो, उसके लिए ये वाला टर्म साइन टू द पावर सिक्स अल्फा टी प्लस पाई जो है वो साइन टू द पावर सिक्स अल्फा टी के बराबर हो जाता है. ये सब मैंने पिछले पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया था. तो अल्फा की वैल्यू टू हो फोर हो, इनफैक्ट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर थ्री भी होता तो भी वो करेक्ट होता. इनफैक्ट आईआईटी पेपर सेटर्स को चाहिए था कि यहाँ पे वो अल्फा की वैल्यू एक थ्री दे देते हैं, उससे कुछ स्टूडेंट्स को हल्का सा कन्फ्यूजन होता है कि अल्फा ऑड है, तो उनको शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि अगर अल्फा थ्री हो जाएगा तो टी प्लस थ्री पाई जो है वो माइनस हो जाए, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के चांसेस थे. लेकिन यहाँ पर अगर अल्फा की वैल्यू थ्री भी हो उसके लिए भी करेक्ट होता, क्योंकि ये जो टर्म है टू दी पावर सिक्स है, टू दी पावर सिक्स जो एक इवन पावर है, इसलिए वो माइनस वन टू दी पावर अल्फा वाले टर्म को डिमोलिश कर देता है, वो माइनस वन के इफेक्ट को आने ही नहीं देता था. इसलिए अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो, टू हो फोर हो थ्री भी होता तो कोई अंतर नहीं पड़ता. तो अल्फा इजकल टू टू अल्फा इजकल टू फोर ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं, और एल की वैल्यू मैंने अभी फाइंड किया ई टू द पावर फोर पाई माइनस वन डिवाइड बाई ई टू द पावर पाई माइनस वन. तो इस क्वेश्चन में ट्रिक ये था कि जो न्यूमरेटर में जीरो टू फोर पाई है उसको आप चार पार्ट में ब्रेक करिए, आई वन आई टू, और उन चारों पार्ट के बीच में रिलेशन फाइंड करिए. वो रिलेशन इसलिए आएगा कि इंटीग्रेंट जो है वो एक पिक्यूलियर सा फंक्शन है. साइन और कॉस है तो वो तो पीरियोडिक हो गया किसी भी अल्फा के लिए. ई टू द पावर टी है वो पीरियोडिक नहीं होगा, लेकिन उसमें ई टू द पावर पाई का एक कॉन्स्टेंट फैक्टर आएगा जो बाहर निकल जाता है. तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हमने आई वन आई टू आई थ्री आई फोर उसमें रिलेशन निकाला, उनको दिखाया कि वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज बना रहे हैं. फिर उस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम करना बहुत आसान था, और ये सारा खेल जो है वो किसी भी अल्फा इंटीजर के लिए ट्रू है. तो इसलिए अल्फा इजकल टू टू के लिए भी ट्रू है, अल्फा इजकल टू फोर के लिए भी ट्रू है, और एल की वैल्यू ये होगी ई टू द पावर.